पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में भी लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। हर साल की तरह लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल राम नाईक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और महापौर संयुक्ता भाटिया ने हजारों लोगों के साथ योग किया। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग बड़ी संख्या में योग करने पार्क और मैदान में उमड़ पड़े। 21 जून के दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है, इस कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि योग भी इंसान को लंबी जिंदगी देता है। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। यूं तो जीवन में हंसने के लिए और कई बहाने ढूंढे जाते हैं, स्वस्थ रखने के लिए मन को, तन को और अपने आसपास के वातावरण को, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है तो वो है योग। और आज पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पर चाहे वो विदेश हो चाहे देश के हर कोने में योग दिवस का आयोजन किया गया है। हम लोग लखनऊ के राजभवन के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल यहां मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी यहां मौजूद हैं और साथ में सरकारी जो अमला है वो भी यहां मौजूद है। कई विभागों के प्रमुख सचिव यहां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और छोटे बच्चे भी योग का भरपूर आनंद ले रहे हैं, योग जो कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से योग को कर रहे हैं। हर उम्र के लोग, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, सभी जो हैं योग कर रहे हैं। ये 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अनुशासनात्मक तरीके से योग कर रहे हैं ताकि इसका किसी भी प्रकार से कोई दुष्प्रभाव ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे मंच पर मुख्यमंत्री के साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। और इतना ही नहीं, लगभग 45 मिनट ये योगा अभ्यास चलेगा। और आप देख सकते हैं कि योगा अभ्यास के अंदर कई उम्र के लोग हैं जो तनाव और कई समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उनको योगा का कितना लाभ होता है तमाम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाभ है वो ये पूरी जो जनसंख्या है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर कोने में योगा किया जा रहा है आज। और ये जो आवाहन है लगभग 5000 साल पुरानी जो पद्धति है पूरे भारत की, उसको एक अलग आयाम मिला है। यहाँ पर लखनऊ के अंदर अगर बात की जाए राजभवन में, देख सकते हैं हर तरफ, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को कहूँगा मानिक चावला को कि दिखाएं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोग ध्यान लगाकर योगा भी कर रहे हैं और उसको आनंद भी ले रहे हैं उस योगा का। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी आए हैं और इतना सबको मुख्यमंत्री ने, गवर्नर ने, सब ने कहा कि योगा करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो जीवन स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेंगे और आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा, क्योंकि योग ही सबको निरोग करने का एक बड़ा साधन है। अगर समय अपने लिए निकाला जाए तो पूरी टेंशन, पूरी फ्रस्ट्रेशन, पूरी जितनी भी समस्याएं होती हैं जो शारीरिक विकार भी पैदा करती हैं, मानसिक विकार भी पैदा करती हैं, उससे निजात मिल सकती है। कैमरामैन मानिक चावला के साथ रामनिज भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ।